सुमन, सुमन केसर कहाँ है? क्यों, तुम्हें केसर की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ सांझ, सांप को दूध पिलाने से ना गाय नहीं बन जाती। वो बाहर बैठ के नाटक कर रही है और तू ऑडियंस में बैठ के सिर्फ तालियां बजा रही है और कुछ नहीं। तू भूल गई उसकी सारी करतूतों को? कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे। पापा, वंदना आंटी, आरोही कर जाना, कुछ नहीं भूली हूं मैं। मैं ये सब कुछ बस इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा होने वाला बच्चा माया की कोख में पल रहा है। वो मेरा बच्चा है। मेरे दिल में माया के लिए जितनी भी नफरत है ना, उससे कई ज्यादा प्यार उस बच्चे के लिए। और मैं प्यार को नफरत से हारने नहीं दूंगी। माँ, आप प्लीज दूध देख लो, मैं अर्जुन को देखकर आती हूँ कि वो ऑफिस के लिए रेडी हुआ कि नहीं। और हाँ, मेरे लिए ना सही, उस माया के लिए ना सही, पर प्लीज मेरे बच्चे के लिए आप माया से ठीक से बात करेंगे। जिस सांप ने मेरे परिवार की सारी खुशियों को डसा था, उस सांप को तो प्यार देने के लिए बोल रही है? कमबख्त, मेरी बड़ा से जो कल मरती है आज मर जाए। माँ, कुछ नहीं होगा माया को, उसके पेट में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है और वो बच्चा मेरी जान। अगर मेरी जान को कुछ हुआ ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी। सांझ, सांझ, जीना हराम करके रखा इस डायन ने। जब से घर में आई है ना कोई स्यापा ही पड़ा होता है। अब क्या कर दिया है? मौका हर जगह छुपा होता है, बस उसे पहचान कर उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम्हारे प्यार ने बहुत नचाया है अर्जुन, अब जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर लेते हैं। जिस दिन से डायन के पैर पड़े ना मेरे घर में, कोई ना कोई क्लेश ही रहता है। बोलो, तेरा दिमाग कहाँ रहता है? क्या कर दिया तूने? पर मैंने कुछ नहीं किया मैम। तूने नहीं किया तो क्या बाहर से कोई भूत आके करके गया? हाँ, मैं तो बाहर था। बस तू बाहर ही रहना, अंदर काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। आगे इस घर में कम प्रॉब्लम्स हैं, जो तूने एक और प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब जल्दी साफ करो इसे। सर, ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। आ रहा हूं। यप, हाँ ठीक है। यप। अर्जुन, तुझे कुछ चाहिए क्या?
मैं तुझसे क्या बोलूं सांझ, कैसे समझाऊं तुझे कि माया हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। इस वक्त मैं जो भी कहूंगा तुझे बुरा लगेगा, ऐसे में मेरा चुप रहना ही अच्छा है। इस घर में तो सबको बस अपनी करनी है, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है। बोला तू भी अपनी कर। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और ऊपर से फिर भी नहीं मान रहा। ये जल्दी से साफ कर। रिलैक्स, इसने जो भी किया गलती से हुआ होगा ना, जानबूझ के तो ये करेगा नहीं। बोला तुम माँ की बातों का बुरा मत मान। माँ, ये एक वास है जो गलती से टूटा है, किसी की जान नहीं गई है। और किसी और का गुस्सा ना किसी और पे नहीं निकालते। वैसे दूध का ग्लास कहाँ पर रखा है, मुझे माया को देना है। मेरी बात मान, दो चार बूंदे ना जहर की भी डाल दे, सारा स्यापा ही खत्म हो जाना है। हो गया। बोला जरा जल्दी करेगा कि बस ये शक्ल ही देखता रहेगा, बस हर जाना यहाँ पे नवाब ही बना हुआ है। कहाँ रखी इसने फाइल? थैंक यू सांझ। अपना को थैंक्स नहीं कहते अर्जुन। ये यहां क्या कर रही है? इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हुए? वो एक्चुअली अर्जुन, मैंने ही माया से कहा था कि उसे जो भी कपड़े मेरे पसंद आए वो पहन सकती है। वो माया के पास कपड़े नहीं थे इसलिए। मैं बिल्कुल सांझ जैसी लग रही हूं ना? खादा अगर घोड़े की तुम लगा ले तो घोड़ा नहीं बन जाता। सांझ यहां है और तुम यहां हो। तुम इतनी नीचे हो कोई नॉर्मल इंसान वहां पहुंच भी नहीं पाएगा। और हां, जब ये अपने कपड़े चेंज करेगी ना, इन कपड़ों को जला देना। वो क्या है ना, माया के इन्फेक्शन लगे होंगे उसमें। अर्जुन प्लीज। I'm sorry, माया, वो अर्जुन गुस्से। कोई कोई बात नहीं, हम अपनों पर ही गुस्सा करते हैं ना। और ये जिस माया की बात कर रहा है वो कब से नफरत की आग में जल चुकी है। ये मेरे लिए लाई हो? हाँ, वो भूल गई। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अर्जुन प्लीज यार। सांझ हट जा प्लीज। तू कब तक मुझसे ऐसे दूर भागता रहेगा, कब तक गुस्सा करेगा अर्जुन? प्लीज तू इस तरीके से माया से बात मत कर। तू एक काम कर, मुझको जहर दे दे, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। फाइन अर्जुन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अर्जुन, अगर तू माया से इस तरीके से बात करेगा ना तो शायद वो हमारे बच्चे को कुछ कर देगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। ओए सिम्बा, आपको भूख लग रही है?
सिम्बा दूध पिएगा? माया हमारे बच्चे को 100% कुछ ना कुछ करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बच्चा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है। तू माया पे बिलीव कैसे कर सकती है? 90% ऑफ द टाइम IVF सक्सेसफुल होता भी नहीं है, और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते कुछ पता नहीं होता कि इंसान प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन तूने बिना रिपोर्ट के मान लिया, क्योंकि माया ने बोला तेरे को वो प्रेग्नेंट है, राइट? और तू मान गई? मानती हूँ कि अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि माया प्रेग्नेंट है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं प्रेग्नेंट है। सांझ तू पागल है? तू एक पढ़ी लिखी इंसान है, तू कैसे बिलीव कर सकती है? मैं जानती हूँ अर्जुन कि इस वक्त तुझे मेरी सारी बातें इम्प्रैक्टिकल लग रही होंगी, पर मैं क्या करूं? जिंदगी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज 5 साल के बाद भी हम तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल के बाद भी माया फिर से हमारी जिंदगी में आ गई। देख अर्जुन, हो सकता है कि इन 5 सालों में हमारे प्यार में कुछ कमी रह गई, इसलिए आज फिर से हमें माया की जरूरत पड़ी इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। देख सांझ, देखो माया के साथ जैसे रहना तू रहे, तेरे को माया मुबारक और वो बच्चा मुबारक। अर्जुन, प्लीज मेरी बात सुन। अर्जुन तू नो, अर्जुन मेरी बात सुन रहा है एक बार? मैं उसका गुस्सा जानता हूँ। सांझ उसको घर से निकाल दे, वो सबको बर्बाद कर देगी। अर्जुन तू एक बार मेरी बात तो सुन यार। नहीं सुनी तेरी बात। ओ अरे, I'm sorry माया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतना काफी है मेरे लिए। इट्स ओके, साफ करवाने के लिए बुलाती हूँ किसी को। सिम्बा नो, सिम्बा को क्या सिम्बा? क्या हुआ इसे अर्जुन? लगता है दूध में कुछ था। सिम्बा, डॉक्टर को बुलाओ। सिम्बा, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारी जान अभी तक मुझ में अटकी हुई है अर्जुन, इसलिए तो हमेशा मौत के मुंह से खींच लाते हो। चाहे इतना इंतजार किया है कुछ दिन और सही, फिर मेरा अर्जुन खुद अपनी माया के पास वापस लौट आएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।